दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया एक वर्ल्ड फेमस नॉवल मिडनाइट चिल्ड्रन। दोस्तों, सलमान रश्दी की यह नॉवल बहुत पॉपुलर हुई थी और इसको बुकर प्राइज भी मिला था। ये नॉवल पब्लिश हुई थी 1981 में और ये हिस्ट्री फिक्शन बेस्ड है। दोस्तों, इस नॉवल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें राइटर के कुछ अलग ही ओपिनियन है, यानी कि इसको सलमान रश्दी ने अपने आइडियाज के साथ साथ रियल इवेंट से भी जोड़कर लिखा है। तो आइए दोस्तों, अब हम इस नॉवल की समरी को देखते हैं। दोस्तों, इस नॉवल की शुरुआत होती है सलीम शिनाई से। ये सलीम शिनाई अभी 31 साल का है और ये अपनी स्टोरी पद्मा नाम की किसी लड़की को सुना रहा है। एक्चुअली दोस्तों, जब ये सलीम 31 साल का हुआ तो इसको ऐसा लगने लगा कि इसका शरीर अंदर से टूट रहा है, यानी कि कुछ समय ही जीवित रहेगा। इसलिए वो चाहता है कि मरने से पहले अपनी कहानी पद्मा को सुना दे कि वो कौन है और क्या है। दोस्तों, सलीम अपनी कहानी की शुरुआत करता है कश्मीर से। कश्मीर में इसके नाना आदम अजीज थे। ये आदम अजीज कश्मीर से जर्मनी जाते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए। फिर 4 सालों के बाद डॉक्टर बनके वो दोबारा कश्मीर में आते हैं। इस टाइम पर आदम अजीज अभी यंग थे और इनकी शादी भी नहीं हुई थी। यहीं पर कश्मीर में उनको एक लड़की का इलाज करना था जिसका नाम था नसीम। आदम उस लड़की का इलाज करते हैं करीब 3 सालों तक, लेकिन इन 3 सालों में कभी भी वो उस लड़की का चेहरा नहीं देखते। उसका रीज़न ये था कि वो कभी भी अपना चेहरा दिखाती ही नहीं थी। वो एक चादर ओढ़े रहती थी जिसमें छेद था और वो अपने शरीर का वही अंग दिखाती थी जिसका उसे इलाज करवाना रहता था। और फिर एक बार जब नसीम के सिर में कोई दिक्कत होती है तो उसी टाइम पर आदम नसीम का चेहरा देखते हैं और तभी से वो उससे प्यार करने लगते हैं। इसके बाद आदम नसीम से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद आदम नसीम को लेकर आगरा चले आते हैं। वहाँ पर उनकी 3 बेटियाँ और 2 बेटे होते हैं। आगरा में रहते हुए आदम की लाइफ अच्छी चल रही थी, फैमिली भी खुश थी। और आगरा में ही रहते हुए उनकी मुलाकात एक एक्टिविस्ट से होती है जिनका नाम था मियाँ अब्दुल्ला। ये मियाँ अब्दुल्ला फ्री इस्लाम कन्वोकेशन के फाउंडर थे और आदम से उनकी अच्छी जान पहचान थी। लेकिन तभी एक दिन मियाँ अब्दुल्ला का मर्डर हो जाता है। मियाँ अब्दुल्ला का एक असिस्टेंट भी था जिसका नाम था नादिर खान। मियाँ अब्दुल्ला के मर्डर के बाद ये नादिर खान आदम के घर में जाकर छुप जाता है, उनके घर के बेसमेंट में, क्योंकि नादिर खान को डर था कि जिसने मियाँ अब्दुल्ला का मर्डर किया है वो उसे भी मार देगा। इसीलिए वो आदम के घर के बेसमेंट में ही छुपा रहता है। एक दिन आदम उसको देख लेते हैं। वो आदम से रिक्वेस्ट करता है कि उसे अपने घर से ना भगाएं, लेकिन आदम की वाइफ नसीम नहीं चाहती थी कि वो वहां पर रहे, क्योंकि नसीम को अपनी बेटियों की चिंता थी जो अभी बड़ी हो रही थी। लेकिन आदम को नादिर खान पर तरस आ जाता है और वो उसको अपने घर के बेसमेंट में ही रहने देते हैं। दोस्तों, आदम की बड़ी बेटी का नाम था मुमताज। ये मुमताज और नादिर खान एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर वो दोनों चोरी छुपे ही एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। ये बात ना ही नसीम को पता थी और ना ही आदम को। मुमताज दिन के टाइम में अपने फैमिली के साथ ऊपर रहती थी और जब रात होता था तो वो नादिर खान के साथ रहने के लिए बेसमेंट में चली जाती थी। लेकिन फिर कुछ टाइम बीतता है और ये बात आदम और नसीम को पता चलती है। ये बात जानने के बाद नसीम आदम पर बहुत गुस्सा करती है और उन्हें गालियां भी देती है, क्योंकि नसीम कभी नहीं चाहती थी कि नादिर खान उनके घर में रहे। इसी बीच दोस्तों, आदम की दूसरी बेटी जिसका नाम था एमराल्ड, वो एक पाकिस्तान के मेजर जुल्फिकर के साथ भागकर शादी कर लेती है। और एमराल्ड मेजर को ये बात बता भी देती है कि नादिर खान मेरे ही घर के बेसमेंट में छुपा है। जब नादिर खान को ये बात पता चलती है कि एमराल्ड ने जुल्फिकर को ये बता दिया है कि मैं इसी घर में छुपा हूँ, तो वो घर से भाग जाता है और एक तलाक नोट लिखकर मुमताज के लिए छोड़ जाता है। दोस्तों, नादिर खान से तलाक के बाद मुमताज अपना नाम बदलकर रख लेती है अमीना। और फिर ये अमीना अपनी दूसरी शादी करती है अहमद शिनाई नाम के एक व्यक्ति से। अहमद अमीना को आगरा से दिल्ली लेकर आता है। कुछ टाइम के बाद अमीना प्रेग्नेंट हो जाती है। एक दिन अमीना और अहमद दोनों एक ज्योतिषी के पास जाते हैं। वो ज्योतिषी उन लोगों को बताता है कि तुम्हारा बच्चा जो पैदा होगा वो इस देश के साथ बड़ा होगा, साथ ही उसमें कुछ अलग सी शक्तियां भी रहेंगी। दोस्तों, दिल्ली में अहमद की एक चमड़े की फैक्ट्री रहती है और कुछ टाइम के बाद एक टेररिस्ट ग्रुप ने उसके चमड़े की फैक्ट्री को आग लगा दिया। अहमद को बिजनेस में लॉस होता है, जिसके बाद वो अमीना को लेकर मुंबई चला जाता है। दोस्तों, मुंबई में ये अहमद एक घर लेता है किसी अंग्रेज से जिसका नाम होता है विलियम मेथवॉल्ट। इस विलियम मेथवॉल्ट का एक नौकर भी होता है जिसका नाम था वी विली पिंकी और उसकी वाइफ थी वनीता। दोस्तों, ये अमीना तो प्रेग्नेंट थी ही, इसके साथ साथ इस वी विली विंकी की वाइफ वनीता भी प्रेग्नेंट थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वनीता वी विली विंकी से नहीं बल्कि विलियम मेथवॉल्ट से प्रेग्नेंट थी।
दोस्तों 14-15 अगस्त 1947 की रात थी, यानी कि जिस रात भारत को आज़ादी मिलनी थी, उसी रात ये अमीना और वनीता दोनों ही हॉस्पिटल में अपने अपने बच्चे को जन्म देती हैं। दोस्तों इस हॉस्पिटल की मिडवाइफ का नाम था मैरी परेरा। इस मैरी परेरा के दिमाग में पता नहीं क्या आता है कि वो उन दोनों बच्चों के टैक्स बदल देती है, यानी कि जो बच्चा अमीना से पैदा हुआ था वो वनीता को मिल जाता है और जो बच्चा वनीता से पैदा होता है वो अमीना को मिल जाता है। दोस्तों अहमद और अमीना दोनों मुस्लिम थे, इसलिए वो लोग अपने बच्चे का नाम रखते हैं सलीम। वहीं वीविली विंकी और वनीता वो दोनों हिंदू थे, इसलिए वो दोनों अपने बच्चे का नाम रखते हैं शिवा। दोस्तों आज़ादी की आधी रात को जितने भी बच्चे पैदा हुए थे उनमें कुछ न कुछ अलग शक्तियाँ थी। जैसे सलीम की नाक बड़ी थी, वहीं शिवा के घुटने मजबूत थे। सलीम की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था ब्रास मंकी। अब दोस्तों अहमद और अमीना के दो बच्चे हो जाते हैं, लेकिन अहमद का रवैया धीरे धीरे बिगड़ने लगता है, यानी कि उसके संबंध दूसरी औरतों से भी होने लगता है। इन चीजों को देखकर अमीना को भी अपने पहले पति नादिर खान की याद आने लगती है और वो कभी कभी नादिर खान से फोन पर बात भी किया करती थी। दोस्तों जब सलीम बड़ा होने लगा, यानी 8-9 साल का हुआ, तो उसकी नाक उसके शरीर से ज्यादा लंबी लगती थी और जब भी सलीम घर से बाहर निकलता तो लोग उसका मजाक बनाते थे, उसे गालियां देते थे, जिसकी वजह से सलीम डर कर एक बार बाथरूम में छिप जाता है। घर में किसी को नहीं पता था कि सलीम बाथरूम में छिपा हुआ है। जब उसकी माँ अमीना नहाने के लिए जाती है और जब वो अपने कपड़े खोल रही होती है तभी सलीम को छींक आ जाती है और सलीम पकड़ा जाता है। उसके बाथरूम में छिपे होने की वजह से उसकी माँ बहुत गुस्सा करती है और उसको सजा देती है कि तुम पूरे दिन तक किसी से भी बात नहीं करोगे। दोस्तों जब ये सलीम पूरे दिन किसी से बात नहीं करता तो उसको अपनी एक अजीब सी शक्ति के बारे में पता चलता है। ये वो कि उसको अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, यानी कि आज़ादी की आधी रात को जितने बच्चे पैदा हुए थे सलीम उन सभी से कम्युनिकेट कर सकता था, यानी कि बात कर सकता था। जब सलीम ये बात अपने घर वालों को बताता है तो वो सभी बहुत नाराज होते हैं। सलीम के पिता अहमद को तो इतना गुस्सा आ जाता है कि वो सलीम को बहुत पीटते हैं, जिसकी वजह से सलीम एक कान से बहरा हो जाता है। सलीम अपनी कहानी पद्मा को सुनाते हुए बताता है कि आज़ादी की रात को 1000 बच्चे पैदा हुए थे पूरे भारत में, जिनमें से 419 बच्चे मर गए थे और 581 बच्चे ही अभी जीवित हैं और उन सभी में कुछ न कुछ अद्भुत शक्तियां हैं। सलीम बताता है कि मेरे साथ जो वनीता का बेटा पैदा हुआ था शिवा, उसको युद्ध संबंधी शक्तियां मिली हैं। एक दिन सलीम की मुलाकात शिवा से होती है। सलीम उसको बताता है कि हम सभी आधी रात को पैदा हुए थे और जितने बच्चे आधी रात को पैदा हुए थे उन सभी में कुछ न कुछ शक्तियां हैं। सलीम आगे कहता है कि ऐसा करते हैं, हम उन सभी के लीडर बन जाते हैं। इस पर शिवा सलीम का मजाक बनाता है। सलीम समझ जाता है कि जैसे मेरे में शक्तियां हैं ऐसे उन सभी बच्चों में शक्तियां हैं, लेकिन वो इस बात को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। एक बार सलीम को उंगली में चोट लग जाती है और उसकी उंगली टूट जाती है, जिसकी वजह से उसका बहुत सारा खून बह जाता है। डॉक्टर बोलता है कि सलीम को खून की जरूरत है। जब उसके माता पिता का ब्लड टेस्ट किया गया तो उन दोनों का ही ब्लड ग्रुप सलीम से मैच नहीं कर रहा था, जिसके बाद सलीम का पिता अहमद बहुत गुस्सा करता है उसकी माँ अमीना के ऊपर, क्योंकि अहमद को अमीना के कैरेक्टर पर शक होने लगा था। दोस्तों वो नर्स मैरी परेरा जिसने सलीम और शिवा का टैग बदल दिया था, उसको अपने मरे हुए प्रेमी का भूत दिखाई पड़ता था, जिसकी वजह से वो बहुत डर के रहती थी। उसको ऐसा एहसास होने लगा कि उसने 11 साल पहले जो गलती की है टैक्स बदल के, शायद उसी वजह से उसको ये सारे दिखाई पड़ते हैं। इसलिए वो सबके सामने अपनी गलती को कन्फेस करती है और बोलती है कि 11 साल पहले मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, मैं उसके लिए आज पछताती हूँ। लेकिन दोस्तों सभी मैरी को माफ कर देते हैं, लेकिन ये मैरी परेरा सलीम की आया बन जाती है, यानी कि उसकी देखभाल करने लगती है। अब दोस्तों जैसे जैसे सलीम और उसकी बहन दोनों बड़े होते जाते हैं, उसके पिता का व्यवहार उसके माँ के लिए बदलता रहता है। अहमद शराब के नशे में सलीम की माँ अमीना से अपमानजनक व्यवहार करता था, जिसकी वजह से पूरे परिवार का माहौल बिगड़ जाता है। उसको कोई सलाह देता है कि वो अपनी बहन एमराल्ड के यहाँ चली जाए, जो कि पाकिस्तान में जुल्फिकर से शादी करके रह रही है, जिसके बाद दोस्तों अमीना सलीम और ब्रास मंकी को लेकर अपनी बहन एमराल्ड और उसके पति मेजर जुल्फिकर के यहाँ रहने के लिए पाकिस्तान चली जाती है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर सलीम और उसकी माँ उसकी बहन के साथ कुत्तों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है, लेकिन वो लोग मजबूर थे और भारत से पाकिस्तान चले गए थे, इसलिए वो लोग 4 सालों तक उसी घर में रहते हैं। दोस्तों सलीम की बहन ब्रास मंकी अच्छा गाना गाती थी, इसलिए वो पाकिस्तान में एक फेमस सिंगर जमीला के नाम से पॉपुलर हो जाती है। इसी बीच दोस्तों यानी कि 1962 में सलीम की फैमिली को यह पता चलता है कि इंडिया और चाइना के बीच वॉर हो गया है। इसी बीच अहमद का फोन आता है इंडिया से अमीना को। अहमद अमीना को बताता है कि उसे दिल का दौरा पड़ा है। ये सब सुनकर अमीना और अहमद का फिर से एक बार प्यार जाग जाता है। अमीना तुरंत पाकिस्तान से भागकर इंडिया आती है और अहमद से बोलती है कि यहाँ का घर बेचकर हम लोगों के साथ पाकिस्तान रहने के लिए चलो। इसके बाद अहमद अपना घर बेच के अमीना के साथ पाकिस्तान रहने के लिए चला जाता है। अब एक बार फिर से सलीम का पूरा परिवार एकजुट होकर पाकिस्तान में ही रहने लगता है।
सलीम जैसे जैसे बड़ा होता है वो ये रियलाइज़ करता है कि उसकी सूंघने की शक्ति बहुत बढ़ गई है। उधर पाकिस्तान में वो जमीला की पॉपुलरिटी भी देख रहा था कि वो सिंगर होके कितनी ज़्यादा फेमस हो रही है। सलीम धीरे धीरे अपनी ही बहन जमीला से प्यार करने लगता है। जब सलीम जमीला को ये बात बताता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ तो जमीला को आश्चर्य होता है। फिर सलीम को भी ये बात रियलाइज़ होता है कि भले वो मेरी सगी बहन नहीं है लेकिन है तो मेरी बहन जैसी ही। इसी दौरान दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मुद्दे को लेकर युद्ध हो जाता है, जिसके बाद एक बॉम्ब आकर सलीम के घर पर गिरता है, जिसके बाद उसकी पूरी फैमिली समाप्त हो जाती है। यानी कि बस उसके माँ बाप ही इस हमले में मारे जाते हैं। वहीं जमीला कहीं और पर चली गई थी इसलिए वो बच जाती है और सलीम भी बच जाता है। लेकिन एक चांदी का कटोरा आकर उसके सर में लगता है जिसकी वजह से वो अपनी याददाश्त खो बैठता है। अब दोस्तों याददाश्त खो जाने के बाद सलीम को पता ही नहीं रहता कि वो कौन है और कहाँ से आया है। कुछ टाइम के बाद वो पता नहीं कैसे पाकिस्तान आर्मी में भर्ती हो जाता है। इसके बाद 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाता है। सलीम को भी युद्ध में भेजा जाता है। वो एक जंगल में अपने दो चार साथियों के साथ भटक जाता है। वहीं पर दोस्तों जंगल में ही सलीम को एक सांप काट लेता है और उसको सब कुछ याद आ जाता है। इसके बाद दोस्तों सलीम अपने साथियों को अपने बारे में बताता है। फिर धीरे धीरे उसके साथी एक एक करके मारे जाते हैं उस युद्ध में, लेकिन सलीम किसी तरह से बच जाता है। सलीम जंगल से निकलकर एक गांव में पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात एक किसान से होती है। वो बताता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो वार चल रहा है, बांग्लादेश की तरफ से भारतीय सेना के जवान भी लड़ रहे हैं और भारतीय सेना का जो कमांडर है उसके घुटने बहुत मजबूत हैं, वही अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा है। किसान की बात सुनकर सलीम समझ जाता है कि वो जरूर सिपाही होगा। दोस्तों वहीं पर सलीम की मुलाकात पार्वती नाम की एक लड़की से होता है। पार्वती भी आधी रात को पैदा हुई थी आज़ादी वाले दिन, और दोस्तों इस पार्वती के अंदर कुछ शैतानी शक्तियाँ थीं। पार्वती सलीम को किसी तरह से छिपाकर इंडिया लेकर आती है। इंडिया में सलीम का केवल एक ही रिश्तेदार था, उसके चाचा। सलीम अपने चाचा के यहाँ रुकता है। पार्वती उससे हमेशा मिलने के लिए आती थी और कभी कभी पार्वती उसके साथ उसके बेड पर ही सो जाती थी, जिसकी वजह से सलीम के चाची को बुरा लगता था। फिर एक दिन पार्वती ने सलीम से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन सलीम ने इस बात को टाल दिया ये कहकर कि मैं नपुंसक हूँ। लेकिन दोस्तों फिर भी पार्वती सलीम से शादी कर लेती है। दोस्तों युद्ध भी समाप्त हो चुका था, शिवा अपने देश लौटकर आ गया था इंडिया में। सभी लोग उसको नेशनल हीरो कहते थे। शिवा का क्रेज महिलाओं में बहुत रहता था। सभी महिलाएं उसके साथ प्रेम संबंध बनाने में अपने आप को गर्वान्वित महसूस करती थी। शिवा इसका फायदा उठाता था। वो झूठा प्रेमी और बलात्कारी बन गया। वो सभी औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, फिर कुछ टाइम के बाद उनको छोड़ देता था। इस तरह से शिवा के बहुत सारे गैर कानूनी बच्चे भी पैदा हुए थे अलग अलग औरतों से। पार्वती का भी अफेयर शिवा के साथ हो जाता है। वो भी शिवा के साथ सोने लगती है और कुछ टाइम के बाद पार्वती भी प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर शिवा उसको छोड़ देता है। पार्वती दोबारा से सलीम के पास जाती है और कहती है कि उसके साथ ऐसा ऐसा शिवा ने किया है, फिर उसे छोड़ दिया। पार्वती सलीम से रिक्वेस्ट करती है कि सलीम दोबारा से उससे शादी कर ले। सलीम को भी पार्वती पर तरस आ जाता है और वो खुद नहीं चाहता था कि पार्वती अपने बच्चे को बिना बाप के बड़ा करे। दोस्तों उस टाइम पर इंडिया के अंदर इंदिरा गांधी की सरकार थी और देश में इमरजेंसी लगा दी जाती है। इमरजेंसी लगने के बाद जबरदस्ती लोगों की नसबंदी करवाई जाती है। इसी बीच पार्वती एक बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे के कान बड़े थे, ये चीज देखकर सलीम को हंसी आ जाती है। सलीम उस बच्चे का नाम अपने नाना के नाम पर आदम रखता है। पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही पार्वती के बच्चे को क्षय रोग हो जाता है और वो बहुत बीमार हो जाता है। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा था। दोस्तों आज़ादी के रात जितने भी बच्चे पैदा हुए थे उन सभी की शक्तियों को इंदिरा गांधी कंट्रोल करना चाहती थी, इसलिए सेना उन सभी को पकड़ना शुरू करती है। सलीम को भी शिवा की मदद से पकड़ा जाता है और उसे बनारस की एक जेल में डाल दिया जाता है। सलीम को फोर्स किया जाता है कि उन सभी बच्चों से कम्युनिकेट करे क्योंकि उसके पास कम्युनिकेशन पावर थी, ताकि उन सभी को आसानी से पकड़ा जा सके। दोस्तों सलीम के जेल जाने के बाद पार्वती की भी मृत्यु हो जाती है। उधर एक औरत के द्वारा शिवा का भी कत्ल कर दिया जाता है क्योंकि शिवा ने उस औरत को प्रेग्नेंट करने के बाद छोड़ दिया था। दोस्तों आज़ादी के रात जितने भी बच्चे पैदा हुए थे उन सभी को पकड़कर सभी की नसबंदी कर दी जाती है, जिसके बाद उन सभी की शक्तियां भी समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद सलीम को छोड़ दिया जाता है। जब सलीम वापस दिल्ली आता है तो वो देखता है कि उसका कोई साथी उसके बच्चे को गोद में लिए है और अभी उसका बच्चा 21 महीने का है और स्वस्थ भी है। सलीम उससे पूछता है कि मेरा बच्चा ठीक कैसे हुआ, तो वो बताता है कि दुर्गा नाम की किसी औरत ने इसको अपना दूध पिलाया था, जिसके बाद इसका क्षय रोग भी ठीक हो गया था। इसके बाद दोस्तों सलीम अपने बच्चे को लेकर एक अचार की फैक्ट्री में जाता है, वहाँ का अचार टेस्ट करता है। जब सलीम वहाँ का अचार टेस्ट करता है तो उसको अपनी आया मैरी परेरा की याद आती है।
क्योंकि उसकी आया मैरी परेरा भी इसी तरह का अचार बनाती थी। फिर सलीम को बताया जाता है कि ये फैक्ट्री मैरी परेरा की ही है और अभी इस फैक्ट्री को उनकी एक बहन चला रही है। दोस्तों, जिस पद्मा को सलीम अपनी कहानी सुना रहा है वो भी इसको इसी फैक्ट्री में मिली थी। कहानी सुनने के बाद पद्मा सलीम से कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। सलीम कहता है कि हाँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पद्मा सलीम से कहती है कि तुम्हारे 32वें जन्मदिन पर हम दोनों शादी कर लेंगे। इस पर सलीम पद्मा से कहता है कि मेरा जीवन बहुत कम बचा है। और फिर दोस्तों, अपने 32वें जन्मदिन की आधी रात को सलीम मर जाता है।